चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की, जिसका आज छठवां दिन है और आज सदन में एडसमेटा मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट को सीएम भूपेश पेश करेंगे। बता दें कांग्रेस आज कोरोना से मृतकों के मुआवजे का मुद्दा भी उठाएगी। वहीं आज बजट की विभागीय चर्चा भी शुरू होगी और तीन मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर आज चर्चा होगी। एडसमेटा मुठभेड़ घटना की न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट है वो आज सीएम भूपेश बघेल सदन में पेश करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ये रिपोर्ट पटल पर रखेंगे, साथ ही आज कोरोना से मृतकों के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया जाएगा। चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहन, आपसे समझना चाहेंगे आज सदन में कई मुद्दे गूंजेंगे, तीन मंत्री के विभागों पर भी, विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। कहीं ना कहीं आज के सदन में, आज के सदन की कार्यवाही में कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हंगामे भी हो सकते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा की कार्यवाही इसलिए भी हंगामेदार रहने वाली है क्योंकि विपक्ष की तैयारी है कि हर दिन एक बड़ा काम रोको प्रस्ताव लाकर वो चर्चा की मांग करे, और उसी रणनीति के तहत आज हम देख रहे हैं कि हाल में जो घटना नया रायपुर में हुई है उसमें एक किसान जो आंदोलनरत था उसकी मौत हुई है, उस मसले को आज सारे काम रोक के चर्चा की मांग विपक्ष के द्वारा की जाएगी। हालांकि आज प्रश्नकाल चलेगा जिसमें काफ़ी अहम विभागों के सवाल लगाए गए हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल हैं, राजस्व विभाग से संबंधित सवाल हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित सवालों को आज स्थान दिया गया है। लेकिन प्रश्नकाल के बाद सीधे काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग विपक्ष करेगी। हालांकि कार्यसूची पर अगर हम नज़र डालें तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल में प्रस्तुत की जानी है, जिसमें मदनवाड़ा और एडसमेटा की जो घटनाएँ छत्तीसगढ़ में हुई थी उसकी न्यायिक जांच जो आयोग है उसके द्वारा सरकार ने कराने की घोषणा की थी, और उसका जो एक नियम है कि वो रिपोर्ट जब भी सबमिट होती है तो विधानसभा के पटल में रखने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाता है। तो कैबिनेट में ये रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत हो चुकी है, अब उसे सार्वजनिक किया जाएगा तो ये बातें सामने आएंगी कि इन दोनों घटनाओं के लिए असली दोषी कौन है, किस तरीके की इस पूरी घटना में चूक हुई थी, क्या पुलिस की ओर से चूक हुई थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो एक पूरी जांच रिपोर्ट जो है इन दोनों जो घटनाओं की सामने आएंगी, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, तो विपक्ष इसमें से खामियां गिनाने की कोशिश करेगा। हालांकि ये जो घटनाएं हैं वो भाजपा शासनकाल की है तो कांग्रेस के लिए भी एक अहम मुद्दा होगा अगर इसमें कोई ऐसी घटना या ऐसी चूक सामने आती है जो कि पिछली सरकार से जुड़ी हुई हो सकती है, तो सबकी निगाहें इन दोनों रिपोर्टों पे भी होंगी। और आज काफ़ी अहम जो बजट की सामान्य चर्चा थी वो खत्म होने के बाद जो अनुदान मांग की चर्चा है, विभागों की चर्चा है, वो शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तीन विभागों को आज जो है अधिकृत किया गया है। जी बिल्कुल मोहन, सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि आज किन मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुद्दे आपने बताए हैं, एडसमेटा मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट जब पेश होगी और इसमें खामियां पिछली सरकार की भी निकल सकती हैं जिसके कारण सदन में हंगामे होने की संभावना है। इधर अगर बात करें तीन मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर भी आज चर्चा होगी, देखना होगा कि सदन की कार्यवाही में क्या कुछ होता है। धन्यवाद मोहन तमाम बातचीत के लिए।